कैसे आप? मेरा नाम अरुण प्रभु, ट्रैक एंड टेक न्यूज नंबर 73 में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी लेके आए हम कुछ जबरदस्त टेक न्यूज आपके लिए, साथ में हमारा टेक्नोलॉजी फन फैक्ट। लेकिन दोस्तों, एक बात बोल दूं, थोड़े कम लाइक्स आ रहे हैं, हमको आपकी मदद चाहिए। चलिए एक लाइक हिट कर दीजिए दोस्तों, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे वीडियोज मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और दोस्तों, ये जो फेसबुक का जो ड्रामा है वो दिन ब दिन बड़े 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 बहुत बड़ा होते जा रहा है। जी हाँ, क्यों? पहले फेसबुक ने कहा था कि भाई 50 मिलियन कुछ यूजर्स का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था। उसके बाद में कह रहे थे कि कुछ 85 मिलियन यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और अब ऐसे कहने में आ रहा है कि यूजर्स जो फेसबुक के सभी हैं, 2 बिलियन यूजर्स प्लस, मतलब 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग, सबका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जी हाँ, फेसबुक ने ये कहा है कि भाई जो सर्च करते हैं, पहले मोबाइल नंबर डाल के, उसके बाद में ईमेल एड्रेस डाल के, नाम डाल के, सबसे लोग सर्च करते थे और आपका जो डेटा है वो स्क्रैप करते थे। लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है सर्च में, अब सिर्फ आपको प्रॉपर नाम डालना पड़ेगा, फिर ही आपको कोई यूजर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बोल दूं, ये जो फेसबुक का जो ड्रामा चल रहा है उसमें आप मत कैच हो जाइए। जी हाँ, आपका जो अकाउंट है वो डिलीट कर दीजिए, सबसे सेफेस्ट है। अगर डिलीट नहीं कर सकते हैं तो आपकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स है ध्यान से पढ़िए और आपका जितना हो सके उतना डेटा प्राइवेट रखिए, क्योंकि फेसबुक ये जो प्लेटफॉर्म है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ओपन हो गया है सब हैकर्स के लिए, आपका डेटा चुराने के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखिए फेसबुक के। दोस्तों, जियो ने धमाका तो कर ही दिया है, जब से उनका लॉन्च हुआ है बहुत बड़ा धमाका किया है, दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नाक में दम करके रखा है। लेकिन कंज्यूमर्स का ऐसा नहीं है, कंज्यूमर्स के बहुत सारे पैसे बच गए हैं। जी हाँ, एक नया सर्वे आया है, उसके हिसाब से $10 बिलियन, इसका मतलब 6,50,000 करोड़ रुपए कंज्यूमर्स के बचे सिर्फ जियो की वजह से। जियो ने जो डेटा प्राइजेस और वॉइस प्राइजेस जो है उसको नीचे लाए हैं, उसकी वजह से आपके और हमारे इतने सारे पैसे बचे। आपको तो मालूम है, इसीलिए जियो इतना फेमस है, हर कोई जियो का सिम कार्ड ले रहा है और सर्विसेज भी उनकी अच्छी है। तो मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से और पूरे कंज्यूमर्स की तरफ से कि जियो भाई थैंक यू, ऐसे ही जो डेटा के प्राइजेस है वो घटाते रहिए। और दोस्तों, व्हाट्सएप जो है वो आए दिन नए फीचर्स ला रहा है, और एक दो नए फीचर्स आ गए हैं व्हाट्सएप में। अगर आप एक बीटा यूजर हैं तो अभी जाके ट्राई कर सकते हैं। व्हाट्सएप खोलिए, और जनरली आप ऑडियो मैसेजेस भेजते थे तभी आपको वो बटन जो है ऑडियो का वो दबा के रखना पड़ता था, और जितना टाइम आप दबा के रखेंगे उतना टाइम आप बात कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं है। जी हाँ, आप जो है, अगर आपको एक ऑडियो मैसेज भेजना है तो सिर्फ बटन दबाइए और थोड़ी एक 0.5 सेकेंड्स के बाद ऊपर उसको स्लाइड कीजिए और लॉक हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आप बोलेंगे, अगर आपको एक लॉन्गर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है तो आप कर सकेंगे, और उसके बाद में सेंड होने के बाद सीधा चला जाएगा। तो आपको दबा के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो ऑडियो, जो भी माइक का आइकन आता है उसको। और दोस्तों, Xiaomi ने फाइनली Redmi Note 5 का जो है वो ओपन सेल कर दिया है। इसका मतलब अब वो फ्लैश सेल में नहीं मिलेगा, ओपन सेल में मिलेगा, जब चाहिए आप जाके खरीद सकते हैं। लेकिन ये है Redmi Note 5, जो 3 वेरिएंट है, 2GB, 3GB एंड 4GB, 8000, 9000 और 10000 या 11000 का है। ये जो 3 वेरिएंट है वो Mi.com और Amazon.com पे ओपन सेल में मिलेंगे, जब चाहिए तब जाके आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, Xiaomi ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि Redmi Note 5 जो है उसकी डिमांड नहीं है, लेकिन जिसकी डिमांड है, जैसे Redmi Note 5 Pro, Mi TV 4, ये सब तो पिछले 5-6 हफ्ते से लोग ट्राई कर रहे हैं खरीदने के लिए, उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन Redmi Note 5 जो कोई भी नहीं खरीद रहा है उसको ओपन सेल में डाल दिया है। Xiaomi, जरा सुनिए, बाकी के भी जो फोन्स हैं, Redmi Note 5 Pro या फिर Mi TV 4 वगैरह, उनको भी ओपन सेल में लाइए, देखते हैं कितने देर तक आपके जो स्टॉक्स हैं वो रहते हैं, देखते हैं। और दोस्तों, ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक बहुत बड़ा ब्लो दे दिया है RBI ने। जी हाँ, RBI ने कहा है कि हमारे अंडर जो भी बैंक्स हैं, मतलब नियरली सब बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में डील करना बंद कर दीजिए। ऐसे RBI ने कहा, ये गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने कहा है, उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। इनफैक्ट ये RBI का अनाउंसमेंट आने के बाद जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी प्राइजेस दोस्तों इतनी ज़्यादा गिर गई है, कुछ $5,300 पे अब ट्रेड कर रहा था इंडिया के जो ज़ेप्पे एक्सचेंज है उसके ऊपर। सोचिए, कुछ ही महीने पहले जनवरी फरवरी में ये $15,000-18,000 पर बिटकॉइन पर गया था,
और अब उसकी प्राइस आ गई है दोस्तों कुछ 5,000-5,500 पे। तो अगर आप डील करते हो क्रिप्टो करेंसीज में दोस्तों, अभी बोल रहा हूं अगर है आपके पास बेच दीजिए, क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर हमें कमेंट्स में बताइए, आपको भी ऐसे लगता है क्या कि क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर इतना कुछ खास नहीं है? अगर लगता है कमेंट्स में बता दीजिए। और दोस्तों ये जो आखिरी खबर है ये प्रॉपर टेक न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों से ये बतानी थी न्यूज आपको। निसान का एक नया सर्वे आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडियन ड्राइवर्स हैं 5 में से 3 ड्राइवर्स मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाते समय। जी हाँ, और वो भी कार। मैंने तो देखा है टू व्हीलर पे भी लोग फोन पे बात करते करते ड्राइव करते रहते हैं, टू व्हीलर। सोचिए, ये मत कीजिए दोस्तों, बहुत ही डेंजरस है, इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये जो सर्वे है ये हमें और आपको तो पता है ऑलरेडी, लेकिन हम करते नहीं है। अगर आपको फोन लेना है, अगर बीच में आ गया चलाते समय, तो मत लीजिए, रहने दीजिए, आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचिए और फिर बाद में कॉल बैक कीजिए, या फिर आपकी जो गाड़ी है वो बाजू को लीजिए और फिर फोन लीजिए। दोस्तों आपकी जान से इंपॉर्टेंट नहीं है वो फोन कॉल। दोस्तों इतना ही मुझे कहना था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता था इसे। और दोस्तों अब वक्त हो गया हमारे ट्रैकिंग टेक टेक्नोलॉजी फन फैक्ट का। जी हाँ, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर यूजर जो दिन में ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल फोन यूजर भी, 1 मिनट में कितने बार ब्लिंक करता है उसके आंख? 7 times। जी हाँ, सिर्फ 7 बार। और अगर नॉर्मल यूजर जो कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करता है, जो उसके प्रोफेशन में कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है, वो ब्लिंक करता है 20 times। जी हाँ, डबल से भी ज्यादा। और ब्लिंक करना आपके आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात याद रखिए। तो अगर आप कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा ब्लिंक करें। दोस्तों आपको डोमेन नेम्स तो पता है। जी हाँ, 1995 के पहले जो डोमेन नेम्स थे वो कंप्लीटली फ्री थे। जी हाँ, आपको रजिस्टर करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल आपको $10-$15 देने पड़ते हैं आपका डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए। 1995 के पहले ऐसे नहीं था, आप जाइए रजिस्टर कीजिए, आपका हो गया डोमेन नेम, ऐसे था। अब वो दिन तो चले गए। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते और एक फन फैक्ट बोल दूँ, ईमेल आपको लगता है इंटरनेट पे आया हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली ईमेल बाद में आएगा, इंटरनेट पहले आएगा, ऐसा नहीं है। इंटरनेट के पहले ईमेल का जन्म हुआ था। जी हाँ, सोचिए। तो दोस्तों हमारा आज का ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 73 इधर ही खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।